ओ भाई देखो संतरा कितना पीला पीला है, देखो एकदम ऑरेंज कलर। घर को सत्यानाश कर दिया, देखो कितना कितना क्रैक हो गया इस घर में। देखो ये पूरा है ना, ये पूरा क्रैक हो गई अभी तो वहां पर पूरा। ये देखो अर्थक्वेक के कारण से पूरा घर क्रैक हो गई। ये देखो वो देखो वहां पर देख रहे हो, यहाँ पर ये सामने ये तोरी है। तो देखो इतना अच्छी तरह से लटका के रख देते हैं आपने उसमें, यहाँ पर ये देखो पूरा यहाँ पर यहाँ लटका के ये बीज के लिए रखा हुआ है। Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. तो स्वागत है आप लोगों का खूबसूरत ये पहाड़ों के बीचों बीचों पे। तो भाई साहब आज हम मन है ना बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, क्योंकि पहाड़ के बीचों बीचों में ब्लॉग बनाने का बहुत मजा हो जाता है। क्योंकि अगर आपने गांव में आकर आप वो करते हो तो ब्लॉग बनाते हो तो बहुत मजा आता है भाई। देखो अगर आप कहीं जाते हो तो अपना क्या करते है? आप जिंदगी भर तो यहीं बैठोगे है ना, तो बाकी आप क्या करोगे? कहीं आपने काम करने के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, अलग बात है, वो बात अलग बात है। लेकिन फिर कहीं काम करके फिर दोबारा अपने गांव में आओगे तो भाई जॉब जुब करने के लिए कहीं बाहर जाओ, उसके बाद दोबारा गाँव में आओ तो भाई वो वाला फीलिंग है ना बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन देखो ना आपका गांव मेरा गांव, बाप रे पूरा हर जगह इधर भी पहाड़ है, इधर चारों ओर से पहाड़ से, लेकिन थोड़ा सा एक छोटा सा मस्ती बना हुआ है। भाई अगर मेरे पास ड्रोन हो जाती थी कसम से इतना मजा आ जाता था आपने मेरे गांव का। तो वीडियो का भी मैं आप लोगों को एक किसी ने बनाया वो वाला, तो भाई अगर कॉपीराइट क्लेम ना आए तो वो वाला मैं ब्लॉग में डाल, वो वाला जो मेरा गाँव का सीन डालता था, आप लिटरली हैरान हो जाते हो, हैरान। इतना अच्छा मैंने शूट किया उन्होंने, तो मतलब आप लोगों को देखते मजा आ गया। गांव का सीन है ना, गांव का सीन भाई, गांव का सीन ही हो रहा है, हरियाली ज्यादा। आज का सीन ऐसा है, अभी जा रहा हूँ गाय भैंस के लिए घास काटने के लिए। मेरे साथ में ये सुशान है और इनका इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, तो ये भी अपना गाँव में तो जो क्या करते नेपाल के नेपाली भाषाओं में इन लोग क्या करते ब्लॉग शूट करते। तो बाकी मैं भी इनके साथ ही जाता हूँ, ये अपना काम करने वाला, ये मेरा बड़े भाई का लड़का है, तो भाई इसका भी एक चैनल है और बाकी ये भी शूट करता है, मैं भी शूट करता हूँ, लेकिन ये बहुत कम शूट करता है। लेकिन मैं तो डेली शूट करने का कोशिश करता हूँ जब घर में आता हूँ, तो बाकी टाइम में तो जॉब के टाइम में तो अलग बात हो जाती है, बाकी टाइम में तो मैं ज़्यादातर शूट करता हूँ। चलो अभी घास काटने के लिए चलते हैं। और बाकी ये है ना अपना गाँव में, ये जो आप देख रहे हो ना, ये अपना सिर्फ बोलेरो कैंपर गाड़ी आ जाती है और बाकी वो और गाड़ी तो कुछ आता नहीं है, बस बोलेरो कैंपर हो गया, 4x4 गाड़ी होता है वो वाला, वही वाला गाड़ी आ जाती है, क्योंकि बाकी बड़ा गाड़ी तो बहुत कम रेयरली आ जाती है यहाँ पर, बाकी सुबह जाती है और शाम को आ जाती है वो गाड़ी, यही है। तो मैंने कल दिखाया था आप लोगों को ब्लॉग में, उस ब्लॉग में वही गाड़ी सुबह जाती है शाम को आ जाती है। अभी ये अपना गांव का ये वॉलीबॉल कोर्ट है, मतलब वॉलीबॉल ग्राउंड है ये छोटा सा, ये क्या है हमारे छोटा छोटे बच्चों खेलने के लिए, वो ये बड़ों के लिए खेलने के लिए, ये जो नेट देख रहे हो, ये जो सुशान है ना, सुशान का आपने शॉट काफी पहले देखा होगा कि मतलब काफी अच्छी तरह से यहाँ वो खेलता था ये, तो बहुत अच्छा लगता था यहाँ पर। किसी दिन आ जाएंगे और दिखा देंगे आप लोग अगर मौका मिलेगा तो। बाकी जो पीछे देख रहे हो ये भवन बनाए यहाँ अपना गांव का, क्या अगर गांव का क्लब ने बनाया हुआ, तो इस भवन में जो भी बॉल वगैरह वगैरह नेट वगैरह वगैरह रखने के लिए। अब जो चैन गेट भी लगा है ना, कब लगाया सुशान? 2-3 महीना हो गया, अभी चैन गेट भी लगाया वगैरह वगैरह। आज तो भाई इस खूबसूरत मौसम के साथ साथ खूबसूरत धूप भी लग रही है, तो भाई मजा x100 आ रहा है, तो भाई क्या बताऊं मजा आएगा। आपको संतरा खाना है, सुबह सुबह ठंडा नहीं लगता है? नहीं, जैसे सुबह सुबह संतरा लेके आ रहा है ठंडा नहीं लगता है कि नहीं? खाने में बहुत अच्छा लगता है। बाकी जो वो वाला घर देख रहे हो उस तरफ का घर, मैं आप लोगों को थोड़ा जूम करके दिखा दूंगा, ये वाला घर के आसपास में हम क्या करेंगे, आज घास काटने वही जाएंगे, घास काटने के लिए उधर जा रहे हैं। तो चलो अब चलते हैं घास काटने के लिए। अभी जो ये देख रहे हो ये वाला घर के इस साइड में, ओके। अब बाकी हम आए, ओ वहाँ से आए हमारा घर उस तरफ है, ओ जो पहाड़ छोटा सा पहाड़ देख रहे हो वो वाला अपना गाँव है। भाई खुरपेटो इसका नाम बोलते हैं, जो वहाँ रख रहा है ना, ये क्या बोलते हैं, ये जो हथियार घास काटने के लिए हम हसिया बोलते हैं रखने के लिए अलग है, ये है इसका नाम खुरपेटो बोलते हैं, जो लकड़ी वाला जो फंसा के रखने वाला, ये सिस्टम अलग है, जब आप पेड़ में चढ़ोगे तो आपका हाथ फ्री हो जाएगी ना, तो इसीलिए ऐसा भी रखना अच्छा रहेगा ना। देखो कितना अच्छा, ये बहुत पुराने पुराने टाइप के
बाबा लोगों ने बनाया है, तो काफी अच्छा एक भी छोटा सा टेक्नोलॉजी है। इतना साफ मौसम है कि इस तरह पूरा धूप लगी है, तो आप लोगों को सामने है ना, तो मून भी दिखाई देगा। इतना अभी रात का मून है, दिन में भी अभी तक दिखाई दे रही है। इतना साफ मौसम, देखो क्लियर मौसम है अभी भी। देखो इतना क्लियर मौसम, जो मून अभी थोड़ा बहुत, हाँ अभी क्लियर आ रही है। यहाँ पर देखो कितना खतरनाक हो जाए, इतना डेंजरस हो जाती है। इतना ये यहाँ जाओगे आप पूरा फिसल जाओगे, इतना खतरनाक हो जाती है। अपने गांव का ये क्या है, छोटा सा नाला है, हम खोला बोलते हैं, तो यहाँ पर पानी हमेशा साफ आता है। आप इसका पानी पी सकते हो, इतना फिल्टरिंग है ये पानी कि देखो पूरा आगे तो जंगल ही जंगल है। तो भाई यहाँ पर कोई गंदा करने का कोई चांस ही नहीं है, जो बाजार में होता है सिटी, बड़े बड़े सिटी में कितना गंदा हो जाती है, यहाँ कोई गंदा का सीन है नहीं, सीधा पानी आ जाता है। आप इस पानी पियो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई संतरा सुबह सुबह ठंडे, भाई ठंडे ठंडे मौसम में, लेकिन धूप तो लगी है अभी, लेकिन हम संतरा खाएंगे अभी। भाई साहब ये देखो इतना फ्लावर, क्या ही बताऊं यार, माँ कसम मान गया, ये फ्लावर देखो कितना अच्छी तरह से फ्लावर है, माय गॉड्स। देखो भाई पूरा है, देखो ना यहाँ पर कोई बैठता नहीं है, आता नहीं, पूरा यहाँ पर खेती है इस तरह है ना, फिर भी खेती की तरफ से देखो पूरा, देखो कितना अच्छी तरह से फ्लावर होता है, एक फोटो तक बनता है इसमें।